प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जापान में मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई थी और दोनों नेताओं के बीच खुशनुमा माहौल में मुलाकात हुई। पहले भारत, जापान और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे शामिल रहे। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी और जापानी पीएम आबे को चुनाव में जीत की बधाई दी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं और इससे पहले अमेरिका और भारत में कभी इतनी नज़दीकी नहीं हुई, और मैं ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि हम लोग कई क्षेत्रों में, खासकर सैन्य क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। आज हम लोग कारोबार के मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मोदी, आपने अपने लोगों को साथ लाने का बड़ा काम किया है, और मुझे याद है कि जब आप पहली बार चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे, तब कई धड़े थे जो आपस में लड़ते थे, लेकिन अब वो एकजुट हो गए हैं। यह आपकी क्षमता का सबसे बड़ा सम्मान है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह मुलाकात उस समय हुई है जब दोनों देशों के बीच अपने अपने हितों को लेकर टकराव चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जापान में पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप ने ट्वीट करके भी साफ किया था कि वो भारत के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन भारत के इरादे भी बुलंद हैं। भारत ने उसी दौरान यहाँ आई अमेरिकी विदेश सचिव से यह साफ कह दिया था कि भारत अपने हित में फैसला लेगा, ना कि अमेरिका के कहने से। अब ये देखना होगा कि जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।